अगर दोस्तों आपके फेसबुक पेज पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है, लिखा है अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि अब इस पेज से आप पैसा नहीं कमा पाओगे, उसके रीजन भी लिखा है योर एबिलिटी टू अर्न मनी इज लिमिटेड बिकॉज टैक इजरार इज नॉट फॉलोइंग ओवर पार्टनर मोनेटाइजेशन रूल, ये इसने लिख दिया। पहले ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और अगर आप इनके ऑप्शंस में जाओगे, इस पे क्लिक करोगे ना आप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड बिकॉज टैक इसरार is not following our partner program. ये टैक इसरार हमारा पेज है और इसने दो वोलेशन बताया है, एक बताया लिमिटेड ओरिजिनली ऑफ कॉन्टेंट, ठीक है, और एक है पेज नॉट एलिजिबल। अब ये प्रॉब्लम आई क्यों है, कैसे दूर करेंगे, और हमारे पेज पे कितने फॉलोवर्स है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे टैक इसरार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, और इस प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस पेज के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये जरा देखिए टैक इसरार का ये 54K फॉलोवर्स, ये पेज हमारा हैक हो गया था जब हमारे पेज पे मतलब 11,000 फॉलोवर्स थे, उसके बाद ये पेज हैक हो गया। हैक होने के बाद में यहाँ पे हैकर ने बहुत सारी ओल्ड वीडियोस डाली, मतलब मूवीज की वीडियो डाली, हालांकि मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा। यहाँ पे $1,050 वो ऑलरेडी कमा भी चुका है, और जब ये फेसबुक टीम ने चेक किया तो एरर दे दिया, आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड फेसबुक ने कर दिया, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसका एनालिटिक्स पे, और अगर आप देखने की कोशिश करोगे, देखो हमारे पेज की काफी ज्यादा रीच थी, नेट फॉलोवर्स हमारे जो है ना बहुत कम हो गए, 97% और 86 कम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि एक्चुअल में जो है ना जो हैकर था उसने बहुत मूवीज की वीडियोस डाल रखी थी, तो इसी वजह से हमारे इस पेज पे दिक्कत आ गई, और जो हमारे फॉलोवर्स भी थे ना वो मूवीज के रिगार्डिंग ही बन रहे थे। बट फिर हमने उन सारी वीडियोज को डिलीट कर दिया। अगर मैं यहां पर आपको लेके जाता हूं, ठीक है ना, यहां पर आपको लेके जाता हूं और इसमें ऑप्शन में और मूवीज में लेके जाता हूं, आप जरा देखिए कि हमारा ये पेज जो है ना यहाँ से हैक हुआ था 14 नवंबर के मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, 15 नवंबर को हैक हो गया था, उसके बाद ये वीडियो हमने परसों डाली, फिर ये डाली, उसके बाद हमारे पेज की जो रीच है वो भी यहाँ पे डाउन हो गई है। बट यहाँ से इसके बाद से और यहाँ तक कम से कम 50 से 60 वीडियोज़ उसने अपलोड कर दी थी, वह सारी वीडियोज़ मैंने डिलीट कर दी है, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब मैंने जो भी कॉन्टेंट दूसरे का था वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप यहां पे जाओगे और नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा मोनेटाइजेशंस। अगर आप यहां पे जाते हो तो यहां पे ना स्टार का ऑप्शंस भी मिलेगा, तो स्टार पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहां पे वही प्रॉब्लम आएगी, आप देख सकते हो यही अर्निंग रिस्ट्रिक्टेड, और अगर यहां पे जाएंगे तो यहां पे वही प्रॉब्लम आपको दिखाएगा कि भाई लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट है। तो ये जो है ना प्रोडक्ट इंपैक्ट, यानी कि इन स्ट्रीम भी है, सब्सक्रिप्शन भी है, ये सारे के सारे जो है ना इंपैक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो, अगर यहां पे हम क्लिक करेंगे ना लिमिटेड ओरिजिनल कंटेंट, ये आपको पहचानना जरूरी है, यहां पे लिखा है लिमिटेड ओरिजिनली ऑफ कंटेंट वॉल्यूशन, इसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे जो है टैक इसरार ने जो है ना कंटेंट ऑफ द वॉज अनओरिजिनल, यानी कि जो ओरिजिनल कंटेंट नहीं था वो इसने पब्लिश किया, उसके बाद यहाँ पे रीपर्पज कंटेंट फ्रॉम द अदर सोर्स विद ए लिमिटेड एड्स वैल्यू, मतलब इन्होंने अदर प्लेटफॉर्म से लेके उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके तो यहाँ पे पब्लिश करा है। साथ में ये लाइन आपकी पढ़नी काफी जरूरी है, इस लाइन में लिखा है पेज कैन ओनली मोनेटाइज कंटेंट दैट इज ओरिजिनल और मीनिंगफुली एंगेज, यानी कि अगर आपका कंटेंट जो है मीनिंगफुली है साथ ही साथ ओरिजिनल कंटेंट है तो ही आपका ये मोनेटाइज होता है पेज। लिखा है If your page had no role in a creation is a piece of the content does not meaningfully alter its source that contained violation or limited originally policy। ये कह रहा है कि जब आपका किसी और कंटेंट होगा और वो यहाँ पे आप डाल के थोड़ा सा चेंजेस करके डालोगे तो ये इसमें आ जाएगा लिमिटेड ओरिजिनली ऑफ कंटेंट में, और इसी वजह से यहाँ पे इन स्ट्रीम एड जो है इनेबल है। लिखा है यू कैन नॉट अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियोस, इसने साफ साफ लिखा है। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो इन स्ट्रीम पर जाते हैं, सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा है यू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू गेन न्यू सब्सक्रिप्शन। उसके बाद मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट दे सकते हो, स्टार्ट पे भी यही लिखा है यू कैन नॉट रिसीव स्टार्ट, यानी कि अब यहाँ पे पंगा कर दिया किसने, फेसबुक ने पंगा कर दिया। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करिए,
क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये है रिक्वेस्ट पेज रिव्यू। ठीक है, आप रिक्वेस्ट पेज रिव्यू लिख रखा है यहाँ पे, तो इसने बोला है कि आपका जो प्रॉब्लम था इस वजह से था, इम्पैक्ट ऑन योर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इसको जो है ना अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट पेज रिव्यू पे डालेंगे तो ये दोबारा से चेक करेगा और उसके बाद आपका जो पेज है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये क्लिक किया हमने, क्लिक करने के बाद में ये बोल रहा है कि भाई आप यहाँ पे एक्चुअली में देख सकते हो कि आपका रियल कंटेंट है या नहीं। तो हम बिल्कुल यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यह है रिव्यू रिक्वेस्टेड सबमिटेड। ये कह रहा है 2 से 3 बिजनेस डे के अंदर हम आपके इस पेज को मोनेटाइज कर देंगे या नहीं, वो हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि हमने मोनेटाइजेशन के लिए जो है अप्लाई दोबारा से कर दिया है, रिव्यू में हमारी रिक्वेस्ट चली गई है, 2 से 3 दिन के बाद ये दोबारा से चेक करेंगे और हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। हमारे स्टार का, एड्स का, इन स्ट्रीम का, सब्सक्रिप्शंस का जैसे ही दूर होगा मैं आपको यहां पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास जो है ना आ चुका है और आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे रिव्यू हो चुका है, इन स्ट्रीम एड्स का भी, स्टार का भी, हर किसी का इनेबल हो चुका है और अब हम आराम से यहाँ से पैसे को भाई कमा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप भी हमसे बात कर सकते हैं, हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप भी जुड़िए हमारे इस पेज पर क्योंकि हम यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट वीडियोज़ को अपलोड करते हैं और आपको सिखाते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से आप पैसे को कमा सकते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। जय हिंद।